नमस्कार दोस्तों, कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक रहस्यमय तोते की कहानी सुनाने जा रही हूँ और कहानी का अंत जानने के लिए हमारे साथ चैनल पर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक घने जंगल के बीच में एक विशालकाय वृक्ष पर एक रंग बिरंगा तोता रहता था। उसकी आवाज़ मधुर थी और वह मानव भाषा बोल सकता था। उसका नाम मीठू था। एक दिन मीठू जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक घोड़ा दिखाई दिया। घोड़ा घायल था और दर्द से कराह रहा था। मीठू ने दया दिखाई और घोड़े की मदद की। घोड़ा मीठू की दयालुता से प्रभावित हुआ और उसने मीठू को अपना दोस्त बना लिया। मीठू और घोड़ा जंगल में घूमते घूमते एक रहस्यमय गुफा के पास पहुँचे। गुफा से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं। मीठू और घोड़ा गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर उन्हें एक चमकदार पत्थर मिला। पत्थर को छूते ही गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया। मीठू और घोड़ा अंदर फंस गए। मीठू और घोड़ा गुफा के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें चमकदार पत्थर से एक आवाज़ सुनाई दी। पत्थर ने बताया कि वह एक जादुई पत्थर है और वह उन्हें गुफा से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। तब पत्थर ने मीठू और घोड़े को एक परीक्षण दिया। परीक्षण पास करने के बाद पत्थर ने गुफा का दरवाज़ा खोल दिया। मीठू और घोड़ा गुफा से बाहर निकलकर जंगल में वापस आ गए। तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी गुफा का रक्षक था। बूढ़े आदमी ने मीठू और घोड़े की बहादुरी और दयालुता की प्रशंसा की। बूढ़े आदमी ने मीठू और घोड़े को अपना मित्र बना लिया। मीठू और घोड़े को बूढ़े आदमी के साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उन्हें अपने परिवार और दोस्तों की भी याद आ रही थी। बूढ़े आदमी ने मीठू और घोड़े को समझा। बूढ़े आदमी ने उन्हें विदाई दी और उन्हें एक जादुई ताबीज़ दिया। ताबीज़ की मदद से मीठू और घोड़ा घर वापस आ गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, जिसमें दो दोस्त मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और अनजान रास्तों में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहें।